उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के गांव शेखपुर में शराब पीने से मौत के मामले में नया खुलासा। सत्ता पक्ष विपक्ष और अधिकारियों के गठबंधन से बिक रही है जहरीली शराब। शिकोहाबाद आबकारी अधिकारी 5 साल से जमे बैठे हैं। कलेक्टर हटाना सरल, आबकारी अधिकारी हटाना कठिन। फिरोजाबाद जिले के एकमात्र दिग्गज विधायक हरिओम यादव ने शेखोपुर में शराब से 3 मौतों पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा भाजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़े दिग्गज सपा नेता और भाजपा नेताओं के गठबंधन को इस कारोबार का जिम्मेदार ठहराया। जहां सपा के एक MLC और एक भाजपा के पूर्व मंत्री को जिम्मेदार ठहराया, वही अधिकारियों की मिलीभगत से इस कारोबार का भागीदार बताया है। शिकोहाबाद आबकारी अधिकारी कौशल किशोर 5 साल से जमे बैठे हैं। इस पर विधायक ने कहा, आबकारी इंस्पेक्टर की पहुंच कलेक्टर से ज्यादा है। पकड़ डाले पकड़े भाजपा के पूर्व मंत्री को, शराब एक इंच भी बिक जाए पकड़ कर रेल का एक MLC उसको, अगर शराब तो चलती का पूरे उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी। वहाँ ना सरकार का ध्यान हो, मैं तो सोचता हूँ कि शराब जो बिक रही है उसमें सरकार का संरक्षण, अधिकारियों का संरक्षण और माफिया का, तीनों का गठजोड़ है तब मिलकर शराब बिक रही है। कितने लोग शराब में मर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि हम गलत काम नहीं होने दें, सबसे ज़्यादा काम सरकार से हो रहे हैं। योगी जी हम चांद मानते हैं, कोई ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन उनके हृदय के लोग उनको तो डांटे हैं। जो लोग यहाँ फोटो खिंचवाते हैं अखबारों में डालते हैं, वही शराब का कारोबार करा रहे हैं। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।